नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। न्यूज वन इंडिया आपके लिए लेकर आया है खास कार्यक्रम ई चर्चा अनलॉक। ई चर्चा अनलॉक में न्यूज वन इंडिया पर होंगे देश की बड़ी हस्तियां, जिनसे चर्चा होगी, खास बातचीत होगी कि आखिर अब कैसा होगा भविष्य, कैसा था अतीत। मंच पर जुटे दिग्गजों से बात होगी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर। देश की हस्तियों से देश की चुनौतियों पर सवाल होंगे, तो दूसरी तरफ देश, दुनिया और कोरोना और पर्यावरण के हाल पर चर्चा होगी। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया के ई चर्चा अनलॉक कार्यक्रम में। और हमारे साथ पहले मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं राजीव तरारा, जो कि अमरोहा से बीजेपी विधायक हैं, जिनकी समाज में अपनी एक पहचान है, उनसे लोग उम्मीद करते हैं। आई यूनिज्म चर्चा करते हैं। राजीव जी, ई चर्चा अनलॉक के पहले मेहमान के तौर पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सब पहला सवाल ई अनलॉक को लेकर ही है। ई चर्चा हम अनलॉक पर कर रहे हैं, इसलिए अनलॉक कैसे होगा, क्योंकि पिछले चार महीने में लोगों का देखने का जो नजरिया था दुनिया को, वो बहुत बदल गया है। जो कुछ सोचा नहीं था वो हुआ। अब लोगों की चिंता इस बात पर है कि भविष्य कैसे हो। मेरी आवाज अगर आप तक ठीक पहुंच रही हो तो मेरा सवाल यह है कि अब भविष्य को लेकर आपकी क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या नजरिया है? भविष्य को लेकर अभी जो हमारा लockdown रहा है, चार lockdown लगे हैं, 68 दिन लगभग सभी पूरा देश lockdown में रहा है, तो इसके चलते बहुत सारी परेशानियां हमारे समाज के अंदर आई है। अभी अनलॉक हुआ है तो उसके बाद में स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग अपने घरों में थे वो मार्केट तक निकल कर पहुंचे, और क्योंकि कोरोना के कारण समाज में एक भय भी व्याप्त है, एक भय का वातावरण है, तो लोग बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं और समझ रहे हैं इसकी परेशानी को, और भविष्य को भी लेकर वो चिंतित हैं कि इस कोरोना को केवल बचाव के द्वारा ही अभी हराया जा सकता है। अभी कोई वैक्सीन इसकी नहीं आई है और प्रत्येक देश अपने अपने स्तर से इसकी रिसर्च में लगा है कि वैक्सीन की खोज में लगा है, अभी वैक्सीन नहीं मिल पाई है, तो बचाव के द्वारा ही इससे बचा जा सकता है। समाज में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और स्वाभाविक तौर पर यानी कि स्वतः ही लोग इससे बचने लगे हैं, और मार्केट में अनलॉक होने के बाद भी, यानी कि जो हमारा लॉकडाउन था उसका खुलने के बाद भी भीड़ कम है मार्केट के अंदर, तो सभी लोग सजग हैं और वो समझ रहे हैं इस सबको। अच्छा, यही चीज मैं आपसे समझना भी चाह रहा था, क्योंकि ग्राउंड पर आप काफी एक्टिव रहते हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों से जुड़े रहते हैं। चार महीने पहले जब कोरोना की दस्तक हुई थी, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि तो इंडिया का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम सैनिटाइजेशन और मास्क पहनकर रहना, एक दूसरे से दूर दूर रहना, हाथ ना मिलाना, यहाँ तो गले मिलने की परंपरा है, ये सब तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, या फिर तमाम लोगों को लगता था कि ये असंभव होगा। लेकिन चार महीने में लोग बदल गए, लोगों ने सीख लिया, ये एक बेहतर आप कदम मानेंगे, और ये चीज आपको क्या ग्राउंड पर दिखी है? सभी देखो, मोदी जी के रूप में एक महान नेता मिले हैं, एक प्रधानमंत्री मिले हैं, तो उन पर देश की जो 135 करोड़ हमारी जनता है उसका विश्वास है, और जनता उन पर पूरी तरह से विश्वास करती है, और उनका सभी का मानना यह रहता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। दुनिया के जो देश है उन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाया जिसके उनको परिणाम भी भुगतने पड़े हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता कर्फ्यू लगाया था 22 तारीख में, एक निवेदन किया था और जनता ने उसका पालन किया। उसके बाद 25 तारीख से जो लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मोदी जी की जो एक सोच रहती है देश के प्रति, वो जात पात धर्म इन सबसे ऊपर उठ करके, और उसका देशवासी सहयोग भी करते हैं, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल थी वो जरूर, ये बात सही है कि गले मिलने की थी, हाथ मिलाने की थी और एक साथ मिलकर के चलने की थी, तो उसमें परेशानियां तो आई, लेकिन चूंकि आवश्यकता जो होती है वो सब कुछ सिखा देती है, और देश के तो जो महान नायक है उनके उन्होंने जो आग्रह किया देश की जनता से, उसको स्वीकार करते हुए उसका पालन किया, और ये सब कोरोना को मात देने में बहुत ज्यादा सहयोगी सिद्ध हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था अभी आप जब बोल रहे थे, तो साथ ही साथ हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे थे, उन तस्वीरों में हमने देखा कि आप लगातार खुद मास्क बना रहे हैं, लोगों के बीच में जाके आपने मास्क दिए भी हैं, कोरोना काल के दौरान ही कोरोना वॉरियर की जो एक नई भूमिका निकल कर सामने आई, उस भूमिका को आपने निभाया, जरा उसके बारे में भी जानना और समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, हमारे हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो पार्टी की मंशा रही है, हमारे जो संगठन रहा है वो सेवा भाव रखा है,
और हमारी अंत्योदय के लिए हमारी पार्टी हमारी सरकार काम करती है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक पहलू पर ध्यान रखते हुए देश की सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ के जनों के हित में लगे हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से कोरोना काल में लगे हुए हैं और पूरी सरकार सजग रूप से सभी ये कोरोना योद्धा लगे हुए। तो मेरी भी जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि के रूप में बनती है कि मैं भी अपने क्षेत्र के लिए उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करूं या इसमें सहयोग करूं। तो हमने शुरू किया, जैसे ही हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ 25 मार्च को, उसी समय हमने मोदी योगी रसोई अपने आवास पर शुरू की। उसके बाद बचनायू और धनोरा, जो मेरी विधानसभा के ये तीनों नगर हैं, गजरौला, धनोरा, बचनायू, यहाँ पर हमने शुरू किया। और जो गजरौला मेरे आवास पर रसोई शुरू हुई, यहाँ पर हमने कोई खाना बनाने वाला हलवाई नहीं रखा, बल्कि स्वयं और मेरे जो साथी हैं सहयोगी कार्यालय पर मेरा सहयोग करते हैं, हम सभी ने मिलकर के इस कार्यालय पर भोजन बनाया। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि मास्क तो मार्केट के अंदर मिल नहीं रहे थे जी। तो हमने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को यहाँ पर अपने आवास पर ही मास्क बनाने शुरू किए और उनका वितरण जिनको आवश्यकता थी, जैसे हमारे कोरोना योद्धा है, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, तो या सैनिटाइजर है, बैंक कर्मी है, पुलिस कर्मी है, सफाई कर्मी है, या समाज के बहुत सारे लोग जिन्होंने स्वार्थ से ऊपर उठकर, जिनका कोई हित नहीं था और बड़ा हृदय दिखाते हुए समाज में अपना सहयोग दिया, हमने उन तक मास्क बना करके पहुंचाने का काम किया। साथ ही सैनिटाइज हमारे एक भाई है, उन्होंने ट्रैक्टर तैयार किए, टैंकर तैयार किए, और हम सभी ने सहयोग करके जहां पर सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा था तो हम स्वयं ट्रैक्टर चला करके या साथ लग करके उनके सैनिटाइजेशन करने का काम किया है। साथ ही जो कि तो पशु पक्षी हैं उनका भी हमने ध्यान रखा, गौशाला जाकर या एक संदेश देने का काम किया। तो ये इस तरह से हमारा, या हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके बीच में जाकर उनका हौसला बढ़ाने का। इस कोरोना से सभी लोग डरे हुए थे, जब हम ही समाज के लोग सभी मिलकर के उनका उत्साहवर्धन करते तो उनका भी उत्साह बढ़ता है और वो नई ऊर्जा के साथ इस कार्य में जो उन्होंने ड्यूटी निभाई है उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे समाज के अंग है, तो उनका हौसला बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हमने एक छोटा सा आह्वान किया, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जनता से, अपनी सामान्य व्यक्तियों ने भी प्रधानमंत्री कोविड केयर फंड में और मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में बड़ी राशि हमारी विधानसभा से पहुंची है। और कुछ लोगों का कहना था कि माननीय विधायक जी हम आपके माध्यम से ही, चेक के माध्यम से ये सहयोग करना चाहते हैं, तो 5,06,000 रुपए की राशि हमने पीएम केयर फंड में चेक के द्वारा कुछ हमने डायरेक्ट ट्रांसफर कराई और इससे अधिक ही सीएम केयर फंड में भी हमने ट्रांसफर कराई। अभी 6,51,000 रुपए के चेक हमने सीएम केयर फंड के लिए इकट्ठा है। मुख्यमंत्री जी से मैं गया था अभी मिलने के लिए, लेकिन किसी आवश्यक वो गोरखपुर में थे तो समय नहीं मिल पाया। पार्टी का जो हमारा चल रहा था 1 साल की केंद्रीय उपलब्धियां और 3 वर्ष की हमारी राज्य सरकार की उपलब्धियां, इसका हमें पत्रक वितरण करना था, मास्क सैनिटाइजर वितरण का कार्य हमारे संगठन ने दिया, तो इस कारण में वापिस हुआ। अभी 1-2 दिन में हम जाकर के ये चेक देने वाले हैं और बड़े स्तर पर सभी का बहुत सहयोग मिला है और हमने भी ये कोशिश किया कि अपनी सम्मानित जनता के बीच में रहकर के। अच्छा, जब कोरोना वॉरियर की भूमिका में आप थे, आपने कहा कि देखिए पार्टी की जो विचारधारा थी, पार्टी का जो एक कहना चाहिए संकेत था, उस संकेत को आपने फॉलो किया और आपने उसको ग्राउंड पर एक कोरोना वॉरियर के तौर पर निभाया, चाहे वो कम्युनिटी किचन की बात कर लें या फिर मास्क सैनिटाइजर बनाने की बात कर लें। सरकार का कितना सहयोग है कोरोना वॉरियर को रहा इस 4 महीने के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब आप खुद कुछ करना चाहती थी और आपको किसी सरकारी या प्रशासनिक सुविधा की जरूरत होती थी, एक आम आदमी को जब इसकी जरूरत होती थी, कितना सरकार और प्रशासन उसके साथ रहता था? काफी हमें जहां भी जरूरत पड़ी है वो साथ रहा है और बड़ा जो सहयोग रहा है वो समाज के, मैंने जैसा कहा अभी कि समाज के जो जिनके सेवा भाव रहता है मन के अंदर, कुछ लोग तो ऐसे, एक मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक मिठाई की दुकान थी गजरौला के अंदर और अभी मैं उनसे जाकर के मिला, उनका किसी प्रशासन के व्यक्ति ने कोरोना से बचाव के लिए कहा कि भी अपनी मिठाई की दुकान बंद कर दो, मेरे पास आए कि जी मिठाई की दुकान बंद कराना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो सारी मैं भोजन बना करके वितरित कर चुका हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर घर में किसी के 1,000 रुपए भी है तो उन्होंने उसको भी खर्च कर दिया है, उसको भी सहयोग दिया है
और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मॉनिटरिंग की है उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से हमारी सरकार ने, उसकी मैं हृदय से बहुत प्रशंसा करता हूं कि कहीं भी हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं आई है। और जो प्रवासी मजदूर है हमारे जनपद में 28,485 प्रवासी मजदूर आए हैं, जिसमें 244 विदेश से आए हैं, तो उनको भी क्वारंटीन करने की बात है। या जो हमारे यहाँ क्वारंटीन सेंटर है, जो कोरोना के लिए दो अभी एक्टिव सेंटर हमारे अमरोहा जिला अस्पताल और एक ये वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, इसमें चल रहे 8 भी आवश्यकता नहीं पड़ी है, तो उसमें समाज के जो समाज सेवी है उनके द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया और बड़ा सहयोग दिया गया है। तो हमारे जनपद में कोई इस तरह की समस्या आई नहीं है कि किसी को कहीं पर भोजन की परेशानी हो। हम लोगों अच्छा, ने प्रवासी मजदूरों का जिक्र आपने किया, तमाम वो लोग जो दिल्ली नोएडा से निकले थे, बिहार जा रहे थे, वो लगभग अमरोहा गजरौला वाले रास्ते को उन्होंने क्रॉस किया, वहां पर सरकार ने फिर उसके बाद तमाम बसें चलाई और तमाम बसें की, उसके बाद उनके रोजगार की योजनाएं भी चलाई जा रही है। उन सब योजनाओं को लेकर अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपको कितनी वो कामयाब लगती है? साथ ही साथ उस दौरान जब प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे थे, घर वापस हो रहे थे, उस दौरान कितनी सुविधाएं उन्हें सरकारी स्तर पर मिली, जरा वो जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। सर, जो हमारा ये गजरौला है, विशेष रूप से मेरी विधानसभा गजरौला, इसमें धनौरा में ही आता है, तो ये ब्रज घाट से उधर हापुड़ डिस्ट्रिक्ट लगता है और इधर हमारा जनपद अमरोहा शुरू हो जाता है, तो वहीं से व्यवस्था की गई थी भोजन के, चाहे वितरण भोजन के पैकेट हो या पानी की बोतल है, चप्पल है या मास्क सैनिटाइजर, इसका संगठन के स्तर पर भी हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ा सहयोग दिया यहाँ पर। और सरकारी स्तर पर भी जो हमारी कम्युनिटी किचन चल रही थी उनमें भोजन में कोई परेशानी नहीं आई। रोजगार को लेकर पूरी तरह से सजग है, मनरेगा के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और जो बाहर से आए थे उनको राशन कार्ड 1000 से अधिक राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। और अभी सामाजिक स्तर से भी हमारे, मैं विशेष रूप से यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हमारे जो पूर्व सांसद हैं समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, उन्होंने बाद में जो प्रवासी आए थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था की और उनको सूखे राशन के पैकेट उपलब्ध कराए। हम लोग भी अपने स्तर से लगे हैं, जहाँ जो जरूरत है वो पहुंचाया जा रहा है। और राशन की जो हमारी दुकानें हैं वहां पर के एक चावल 15 तारीख को वितरित होता है, चावल और अन्य सामग्री, और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैसा कि राशन मिलता आ रहा है, चाहे वो चावल है या अन्य चीजें हैं, तो उनका वितरण विधिवत किया जा रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ उसका वितरण हो और इस संकट काल में किसी को भी कोई परेशानी ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए और तमाम बातें करने के लिए।